हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत का चैप्टर। आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दीक्षा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 6008% ऋण पत्र 90 रुपया प्रति की दर से निर्मित किया। दीक्षा लिमिटेड कंपनी का नाम है, 100 रुपये का डिबेंचर है, 90 रुपये के हिसाब से निर्गमित कर रही हैं। 90 और 100 में अंतर कितना है? 10 का अंतर है ना, इसका मतलब 10 का डिस्काउंट है। नेट प्रोसीड में 10 घटा दिया जाएगा। अभिकोपन 2%, दलाली 0.5%, छपाई स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग 3000 रुपया हुआ है खर्चा। कंपनी की कर की दर 60%। पूंजी की लागत ज्ञात करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मालूम करने के लिए सक्षम हैं। आपको ध्यान देना है, आगे आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले फार्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत बराबर आईपी अपान नेट प्रोसीड इनटू, ठीक है, 100। यही होता है ना कॉस्ट ऑफ, बिफोर टैक्स का फार्मूला यही होता है, टैक्स के पहले का फार्मूला यही होता है। इसको ठीक है सीबी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। आईपी, आईपी का मतलब होता है आईपी इंटरेस्ट पेबल, आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेबल। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके सामने दिया गया है 100 रुपये का एक डिबेंचर है ना, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 8% एक डिबेंचर पर कै रुपया, 8 रुपया। अपनी कॉपी में लिख लो जी, आपका ये क्या आ गया, आपका आईपी आ गया। आपको क्या चाहिए, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे आएगा, कितने का शेयर था, डिबेंचर था 100 रुपये का। 100 रुपये में क्वेश्चन में बोला है, 100 रुपये में क्वेश्चन में बोला है 2% दलाली। जो व्यक्ति शेयर व डिवेंचर खरीदने व बिकवाने का ठेका लेता है उसे अंडरराइटर बोला जाता है, दलाल बोला जाता है, अभिगोपक बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2% क्या बोला है, 2% बोला है अभिगोपन कमीशन, अभिगोपन कमीशन बोला है। लिखा जाएगा अंडर राइटर कमीशन 2%। आपको जानकारी होनी चाहिए अंडर राइटर कमीशन कितना है, 2%। 100 रुपये का 2%, 2 रुपया। और दलाली ब्रोकरेज, पचास पैसा होगा, 0.5%, 85 पैसा होगा। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इधर देखिए, प्रिंटिंग एंड अदर, इसे प्रिंट कराया जाता है कागज वगैरह, 3000। कितने डिवेंचर हैं कंपनी के पास, 3000। कितने डिवेंचर हैं इनके पास, 6000 ना, 3000 रुपया खर्च हो रहा है। इनके पास कितने डिवेंचर हैं, 6000। एक डिवेंचर का मालूम कर लीजिए कितना आ जाएगा, 50 पैसा माइनस कर लीजिए, 100 रुपये में 3 रुपया माइनस कर लीजिए, 97 क्या आएगा, एनपी। ठीक है, आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं क्या, आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि हमारा नेट प्रोसीड कैसे आएगा। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू में 2 रुपया अंडर राइटर कमीशन, 100 रुपया पावे बिना 2 रुपया कमीशन दे देंगे, 50 पैसा दलाली दे देंगे। 3000 रुपया खर्चा किया है इन्होंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, पूरे शेयर का होता है, 6000 शेयर हैं या 6000 डिवेंचर की बात हो रही, डिवेंचर हैं तो एक के लिए 50 पैसा, 97 रुपया आपका नेट प्रोसीड आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीबी। सीबी आपका क्या आएगा, 8 भागे 97 गुणे 100। सीबी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। उसके बाद आपको लिखना है कितना आएगा, ये
कितना आएगा भैया? और एक चीज़ और है, समझिएगा, एक चीज़ और हम भूल रहे हैं यहाँ पर, और इसमें एक चीज़ और, डिस्काउंट नहीं माइनस किया गया। डिस्काउंट 100 रुपये का डिबेंचर कितने का है? 90 का था, 10 रुपये डिस्काउंट माइनस कर दो, 87। तो यहाँ पर 87 से डिवाइड किया जाएगा, 87 लिख लीजिएगा। आंसर कितना आएगा? 9.195%। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, छाप लेंगे। अब लिखना है आपको सीबी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। फार्मूला क्या होता है सीबी ना? फार्मूला क्या होता है सीबी? बिफोर टैक्स 1 माइनस टीआर टैक्स रेट। सीबी 9.195, 1 माइनस टैक्स रेट कितना दिया क्वेश्चन में? 60% 0.60 हो जाएगा। 9.195 इंटू 0.40 गुणा कर देंगे तो कितना आंसर दे रहा है? 6.78%। अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। ये आपका उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, ज़्यादा कठिन उठिन नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछना है। 100 रुपया बेस प्राइस है, अंडर राइटर कमीशन मतलब कि दलाली जो दिया गया उसको, पैकिंग उसको, डिस्काउंट पहले ही माइनस कर लेना चाहिए। डिस्काउंट माइनस करने में थोड़ा लेट कर दिया, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है, भूल, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। कहता है अरुण लिमिटेड ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से वित्त निगम से 150,000 रुपये का लोन लिया है। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का नाम है अरुण लिमिटेड। 10% दिया गया है, 150,000 फाइनेंस कॉरपोरेशन से 10% पर लोन लिया है। इसके संबंध में 1600 खर्चा किया है, टैक्स के पहले और टैक्स के बाद। आपको क्या मालूम करना है? टैक्स के पहले और टैक्स के बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको आगे ध्यान देना है, लिखना है क्या? सबसे पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। सीबी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, आईपी अपॉन एनपी इनटू 100। आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेबल, कई रुपए का है ध्यान दीजिएगा, लोन कितना लिया है? 150,000 में है, डिबेंचर नहीं है, लोन की बात हो रही है। 150,000 का क्या परसेंट बिट्टी? 10% भैया, गुड़े 100 हो जाइए 15,000। आईपी हमका कहाँ चाहिए? एनपी, इनकी मतलब, एनपी मतलब लोन जो लिए हैं। लोन कितना लिया है? 150,000। एक रे पीछे खर्चा कितना करें? 1600। ये रुपये रुपये की बात हो रही है, डिबेंचर की बात नहीं हो रही है। 1,400। अब आपको क्या बताएंगे? अब आपको बताएंगे, निकाल लीजिए सीबी 15,000 भागे 1,48,400 गुड़े 100 बोल दो, आंसर कितना आए? वेरी गुड, 10.108 इनका पसंद आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। अब आपको बताना चाहते हैं आफ्टर टैक्स सीबी, आफ्टर टैक्स सीबी आफ्टर टैक्स में आपको बताना चाहते हैं सीबी 1 माइनस टीआर, टीआर मतलब टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या दिया दीदी? 50%। कुछ ना दिया हो तब भी 50% लगाएंगे, कर की बात हुई हो तो। लेकिन 10.108 1 माइनस 50, 10.108 इंटू 0.50 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 5.054%। पाँच हज़ार 54 कैसे? यही आएगा, लिखो, हो गया।
अगला चलो अगला। आपको मैं बताना चाहता हूँ अब 6 नंबर क्वेश्चन से, क्या कहता है, अ कंपनी इशूड डिबेंचर 1 लाख रिलायंस 98,000 आफ्टर अलाउिंग 2% कमीशन और टू ब्रोकर। मतलब 1 लाख लोन लिए हैं, 2% ब्रोकर को कमीशन देने के बाद 98,000 मिला है। द डिबेंचर कैरी इंटरेस्ट 10%, रिडीमेबल है। एक होता है इरिडीमेबल, इसके पहले अशोधनीय, मतलब जिसका कंपनी के समापन के समय शोधन किया जाएगा। शोधनीय का मतलब होता है जिसके शोधन की तिथि, शोधन का मतलब होता है, रिडीमेबल का मतलब एक निश्चित समय के बाद जिसका पैसा वापस कर दिया जाए। राहुल ने हमसे 5 लाख रुपया लिया, एक समय के बाद पैसा वापस कर देंगे। अनुज ने हमसे 10 लाख रुपया लिया, एक समय के बाद वापस कर देंगे, ठीक है। या हमने लिया, हम एक निश्चित समय के बाद जब पैसा वापस कर दिया जाता है तो रिडीमेबल बोला जाता है। कंपनी के समापन के समय जब पैसा वापस किया जाता है इरिडीमेबल, अशोधनीय बोला जाता है। अब रिडीमेबल वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला अपनी कॉपी में वही लिखिएगा, CV IP अपान NP इंटू 100। IP ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, IP। इन्होंने लोन कितना लिया है, 1 लाख रुपए का डिबेंचर है। हमेशा याद रखिएगा फेस वैल्यू पर ही निकाला जाता है। इसे मैंने बोला 1 लाख लोन लिया, डिस्काउंट पे लोन लिया है, आप सोचोगे 98,000 पे निकलेगा, नहीं, फेस वैल्यू 100 है तो 100, 10 है तो 10, 1 लाख है तो 1 लाख पे जितना लोन लिया जाएगा, कै परसेंट हुआ, 8 अपान कितना हो जाएगा, 10%, 10,000 हो गया, ठीक है। आईपी है, अब हमें क्या चाहिए, एनपी। 1 लाख का लोन लिया, 20,000, 2,000 कै परसेंट, 2,000 क्या दे दिया गया है, खर्चा 98,000 एनपी होगा। अब इसका फॉर्मूला भी बदल जाता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इरिडीमेबल जो था वो अलग था, अब रिडीमेबल, एक निश्चित समय के बाद जब पैसा वापस किया जाएगा, रिडीमेबल फार्मूला, शोधनीय ऋण पत्र के लिए फार्मूला लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ऐसे आईपी प्लस MB माइनस NP अपान N, MB प्लस NP अपान 2 इंटू 100। समझिएगा, आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेबल, MB का मतलब मार्केट वैल्यू, NP का मतलब नेट प्रोसीड, N का मतलब कई साल बाद पैसा वापस करोगे, NP MB मतलब मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। समझिएगा, कितना दिन बाद पैसा बोला है वापस करने के लिए, इसमें 10th ईयर बोला, देखो क्वेश्चन में देखो 10 साल, इसके पहले बोलता था नहीं, बोलता था ना, जब शोधन की तारीख पहले से ही तय हो, ठीक भैया। तो इंटरेस्ट पेबल हमारा कितना आया है, देखो इसे सिर्फ लगा दीजिए, 10,000 आया है कि नहीं है, मार्केट वैल्यू 1 लाख, नेट प्रोसीड मार्केट में वैल्यू है इतना 98,000, कै साल बाद पैसा वापस करेंगे, 10 साल बाद, मार्केट वैल्यू नेट प्रोसीड इतना, बड़ा सा काम हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना भैया, सॉल्व कर दें, 10,000 प्लस 1 लाख में से 98,000 माइनस कर दो, भागे 10,
गुणा सौ का किया जाएगा भागे एक लाख अट्ठानवे हजार भागे दो गुणे सौ, दस हजार भागे दो सौ, एक लाख अट्ठानवे हजार में दो से भाग दे दो, अट्ठानवे हजार में दो से भाग दे दो, दस हजार दो सौ भागे कितना आ जाएगा 10.30% आ जाएगा कि नहीं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। फॉर्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा है, हम समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, देखा जाएगा जो होगा। आपको पहले 8वां बता दे रहे हैं, उसके बाद 7वां बताएंगे, क्योंकि बड़ा है, मुझे कोचिंग क्लास जाना है, ठीक है। कहता है आ कंपनी इशू 10,000 टेन ईयर 8%, मतलब 10 साल बाद पैसा वापस करना है। ईयर दिया है तो रिडीमेबल, ठीक है, शोधनीय। 100 रुपये का एक डिवेंचर दिया है, डिस्काउंटिंग 4% अंडर द डिवेंचर ट्रस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5% प्रीमियम है, 10-5 साल बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने का डिवेंचर है? 100 रुपये का एक है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 100 रुपये का एक है, 10,000 डिवेंचर है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आईपी। आईपी कितना निकल के आ गया? 100 रुपये का 8/100 8 रुपये आ गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है कॉस्ट ऑफ इशू, हो गया ये हमारा, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8% हो गया, 2% इशू चार्ज खर्च करना पड़ेगा, इशू एक्सपेंसेस 2%। 2% का मतलब 100 रुपये का 2/100 2 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये हो गया। नेट प्रोसीड हमको चाहिए ना, नेट प्रोसीड। कितने का डिवेंचर है? 100 रुपये का है, कितने में इशू किया जाएगा? 110 में, 10% प्रीमियम बोल रहा है क्वेश्चन में, 5% प्रीमियम बोल रहा है ना, रुक जाइएगा। फेस वैल्यू 100 रुपया, 4% डिस्काउंटिंग रेट बोल रहा है, 4% का मतलब होता है 4 रुपया, 4 रुपया। और 2 रुपया क्या बोल रहा है? इशू एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 94। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 100 रुपये का शेयर है, डिबेंचर है 5 रुपया और 105 रुपया, यही तो होगा। फार्मूला लगा देना है, फार्मूला लगेगा सीबी, सीबी लिखा जाएगा आईपी ना प्लस मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन इंटू 100 डिवाइड बाई एम बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। आईपी मतलब इंटरेस्ट पेबल कितना दिया है? 8 रुपया। एम बी मार्केट वैल्यू 105 माइनस नेट प्रोसीड 94। यन कितना है? कै साल बाद पैसा वापस करना है? 10 साल बाद। उसके बाद मार्केट वैल्यू 105 नेट प्रोसीड 94/2 सॉल्व कर लेना है ना, सॉल्व कर लेते हैं। 8+105 में 94 माइनस कर दो, 11/10 फिर भागे 105 94 100
निन्यानवे भागे दो, सौ से गुणा करना ही रहेगा, आठ प्लस भाग दे दो ग्यारह में दस से, वन पॉइंट एक सौ निन्यानवे का आधा कर दो, गुणे सौ कर दो, सब कर लेंगे तो 9.15% आपका आंसर आ जाएगा। टैक्स का रेट नहीं दिया है, टैक्स दिया होता तो टैक्स भी लगा देते, इसको लिख लीजिए बाकी आगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। कहता है राम एंड कंपनी लिमिटेड 10,010% वाले ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहती है जिनका सम मूल्य पर 100 रुपया प्रति अंश है, यानी कि 10,000 दिया गया है। कितने का एक है? 100 रुपये का एक सम मूल्य माना जाता है, एट पार माना जाता है। इसके निर्गमन पर निम्न व्यय होंगे, अभिगोपन कमीशन 2%, दलाली 0.5%, मुद्रण व अन्य 15,000 रुपया। ऋण पत्र 10 वर्ष बाद शोधनी है। ऋण पूंजी की लागत की गणना मानते हुए ऋण पत्रों का निर्गमन मूल्य सम मूल्य पर 10% बट्टा पर 10% प्रीमियम पर किया जाए। यही चीज इंग्लिश में दिया गया है। राम एंड कंपनी लिमिटेड विशेष टू इशू 10,000 10% डिवेंचर 100 रुपीज ईच। इसके बाद दिया गया है अंडर राइटर कमीशन 2%, ब्रोकिंग प्रिंटिंग सारी चीज़ें दी गई हैं। तीन कंडीशन दी गई है, बिफोर टैक्स आपको क्या मालूम करना है। चलते आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आईपी चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? आईपी, इंटरेस्ट पेबल। कितने रुपए का एक डिवेंचर है? 100 रुपए का है। कै परसेंट है? 10/100 कितना हो जाएगा? 10 रुपया एक ऋण पत्र पर ब्याज देना है। रिडीमेबल वाला है, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला भी चेंज होता है। अब आपको बताना चाहते हैं हमें चाहिए क्या? प्रोसीड, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में आपको बताना चाहते हैं कितने रुपए का डिवेंचर है? 100 रुपए का। उसके बाद आपको ध्यान देना है अंडर राइटर कमीशन बोला है 2%, इसी में से माइनस करो। हमको चाहिए नेट प्रोसीड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। ध्यान देना है फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 रुपया, माइनस करेंगे अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर कमीशन आपको ध्यान देना है 100 रुपये का 2%, 2 रुपया होगा कि नहीं? उसके बाद ब्रोकरेज 0.5 बोला है, ब्रोकरेज ना, पचास पैसा हो जाएगा। ब्रोकरेज के बाद आपको ध्यान देना है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस में दिया गया है 15,000 रुपया, सही है कि नहीं? पूरे का ये कितने डिवेंचर हैं इनके पास? 10,000। हमें कितने का मालूम करना है? एक का। एक का कितना बनेगा? 1 रुपया 50 पैसा बनेगा कि नहीं? तो माइनस कर लीजिए, कितना माइनस हो जाएगा? 4 रुपया माइनस हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्या पहली कंडीशन में केस ए की बात होगी? यहाँ पर केस ए की बात होगी। नेट प्रोसीड आपका आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला आपको क्या अप्लाई करना है? फार्मूला अप्लाई करना है और मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है?
₹100 क्योंकि फेस वैल्यू है, और एन कितना दिया है 10 ईयर दिया है, ठीक है, एन कितना दिया है 10 ईयर दिया है। अब आपको बताना चाहते हैं क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सी बी कॉस्ट बिफोर टैक्स आई पी, ऐसे बताया गया है, देखो इधर आई पी क्या बताया गया है, सी बी थोड़ा ऊपर लिखते हैं आई पी, उसके बाद प्लस मार्केट वैल्यू नेट प्रोसीड अपॉन एन इंटू 100 करेंगे बाद में भी, ध्यान दीजिएगा, मार्केट वैल्यू प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। फार्मूला थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, आई पी कितना है इंटरेस्ट पेबल ₹10, एम बी मार्केट वैल्यू कितनी है ₹100, नेट प्रोसीड ₹96, एन कितना दिया है, पैसा कै साल बाद वापस करना है 10 साल बाद वापस करना है पैसा, उसके बाद आपको ध्यान देना है 100 मार्केट वैल्यू 100 नेट प्रोसीड 96 ना डिवाइड बाई 2 10 प्लस 4 भागे 10 भागे 196 में 2 से भाग दो, 196 में से 196 में 2 से भाग दे 98 × 100 आएगा 10 प्लस 0.4 भागे 98 × 100 10.4 डिवाइड बाई 98 × 100 कर लीजिएगा कितना आएगा 10 पॉइंट, इसको गुणा कर दो, गुणा कर दो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10.61%। ये कैसे आपका सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है, ये सब आपका काम है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको केस बी 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 पर ध्यान देना है, केस बी आपका क्या कहता है, केस बी आपका कहता है डिस्काउंट का मामला रहेगा इसमें ना 10%, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट का मामला रहेगा, लेकिन आई पी इंटरेस्ट पेबल आपका वही निकलेगा 10/100 ₹10, ठीक है, आई पी ₹10 ब्याज आएगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा भैया, आई पी के बाद एक स्टेप आपका हो गया, अब हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ एन पी मतलब नेट प्रोसीड ना, आपको ध्यान देना है फेस वैल्यू शेयर का लिखो, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹100 माइनस कर देना है आपको डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट पर इशू किया गया है ₹10, याद रखिएगा डिस्काउंट पर इशू किया गया है। उसके बाद अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर कमीशन कितने का दिया गया है 100 का, इसी 100 का 2% निकाल दो ₹2, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना लिखा गया है 100 का 0.5/100 50 पैसा। उसके बाद प्रिंटिंग है ना, ₹15,000 खर्च किया गया है, 10,000 डिबेंचर पे, एक डिबेंचर पे ₹1.5, 10, 12, 13 ₹14 माइनस कर दो, ₹14 जब आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 100 में से 14 माइनस कर दो ₹86 नेट प्रोसीड आएगा। अब क्या होगा, सी बी कॉस्ट बिफोर टैक्स ना, आई पी प्लस मार्केट वैल्यू प्लस एन पी अपान एन, यहाँ पर आगे लिखेंगे क्या, आगे वही फॉर्मूला फिर लगा दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपान 2 इंटू 100।
आईपी हमारा 10, मार्केट वैल्यू 100, एन 86, 10। फिर आपको क्या कर देना है, 100 86 भागे 10 भागे 2 सॉल्व कर लो, 10 प्लस एक, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा 24, 14, 10, 186 भागे 2, 10 प्लस 140 भागे 10, 186 में 2 से भाग दो, 93 इंटू 100 लिख लीजिएगा ये, ठीक है, 10 प्लस 14, 14 होगा, हाँ यहाँ पर 10 से भाग देंगे 1.4 93, इसका इससे गुणा कर दो, 140 में 93 से भाग दे दो, ध्यान दीजिए गुणा करेंगे 114 आएगा ना, 114 भागे 93 कैलकुलेट कर लेंगे 12.26 भाग दे के जोड़ लेंगे 12.26, सही है नहीं, इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 140 ही रहेगा ना, अब सही है, भाग दे दीजिएगा जोड़ लीजिएगा। केस सी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो केस सी में इंटरेस्ट पेबल यही होगा, ये डिस्काउंट के स्थान पे जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्रीमियम प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे, प्रीमियम कितना 10 प्लस हो जाएगा, 10 यहाँ पर प्लस हो जाएगा 110 में से, अब क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 106 नेट प्रोसीड होगा ना भाई, प्रीमियम तो 10 प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट में 10 माइनस हुआ है तो 110 में से, अंडर राइटर इसी फेस वैल्यू पर निकलेगा जो परसेंट दिया रहेगा, इसी फेस वैल्यू पर 106, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कॉस्ट बिफोर टैक्स इक्वल टू आई पी प्लस एम पी एम बी एन पी नेट प्रोसीड अपान एन अपान मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई टू इंटू 100। आईपी का मतलब है, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल कितना है हमारा 10, मार्केट वैल्यू कितनी मानी जाएगी 100, नेट प्रोसीड 106, यानी हमारा 10 साल में पैसा वापस करना रहेगा, 100 नेट प्रोसीड 106 भागे 2 गुणे 100 10 प्लस 100 में से 106 माइनस करो, माइनस का 6 होगा भागे 10 गुणे 100 भागे 206 भागे 2 10 प्लस माइनस 6 में 10 से भाग दे दो 0.6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.6 इंटू 100 206 में 2 से भाग दे दो
9.4 भागे 103 गुणे 100 आंसर आ जाएगा 9.13%। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है एक्स लिमिटेड इशू 20,000 10% बॉन्ड्स। बॉन्ड इशू किया जा रहा है। देखो बॉन्ड और ऋण पत्र में अंतर क्या होता है। डिबेंचर बॉन्ड्स में, डिबेंचर में पहले से ब्याज की दर तय होती है, बॉन्ड में पहले से तय नहीं होती है। 5% डिस्काउंट पर 10% ब्याज मिलेगा, बहरहाल दिया इसमें 5% डिस्काउंट पर। देयर बॉन्ड्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स, कॉरपोरेट टैक्स 50%। इसमें आपको टैक्स के बाद वाला भी मालूम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, कै साल बाद रिडीमेबल है पैसा। 10 साल बाद बोला है तो जान लीजिएगा कौन सा है रिडीमेबल वाला, शोधनीय वाला, बड़का सूत्र। हाँ, तो बड़के सूत्र को आप एक बार यहाँ लिख सकते हैं जो पीछे लिखा गया है। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आई पी 100 रुपये का 10% भागे 100 कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। आईपी हमारा कितना आएगा, इंटरेस्ट पेबल 10 रुपया आएगा। एनपी, नेट प्रोसीड एनपी मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू 100 रुपये का डिस्काउंट 10 रुपया, टोटल क्या है 90 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, मार्केट वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू 100 रुपया, मार्केट वैल्यू बोलेंगे इसको, मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलेंगे इसको। यन इक्वल टू 10 रुपया, कै साल बाद, 10 साल बाद, यन 10 ईयर, 10 रुपया मत लिखिए इसको, ईयर लिखिए। अब आप सीबी का फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट बिफोर टैक्स। सीबी का फॉर्मूला लिखकर बताते हैं आपको। लिखना है आईपी प्लस मार्केट वैल्यू माइनस एनपी अपान एन इंटू 100 अपान मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड या मैच्योरिटी वैल्यू इसको बोलेंगे हम, अपान एन अपान टू। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना आप। तो आईपी कितना दिया गया है, 10। मैच्योरिटी वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू वही 100 लिखो पहले बताएं, माइनस एनपी 90। इसमें कोई और चीज़ नहीं दिया गया ना, 90। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू जो है नेट प्रोसीड वाला, डिस्काउंट 5 है भैया, 5 है, 5 इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 95। एन कितना है, 10 ईयर 100। सो प्लस 95 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपको ध्यान देना है प्लस 10 प्लस 100 में से 5 भागे 10 गुणे 100 195 भागे 2। 195 में 2 से भाग दे दीजिएगा, सबसे नीचे 195 लिखा है, बोल दीजिए एक बार 10 प्लस भाग देंगे 0.5 इंटू 100, यहीं ऊपर ही होता है 94.5 97.5
और क्या कर लेना है, 10 प्लस गुणा कर दो, 50 आ जाएगा, 97.5। इसको गुणा कर देना है ना, इसको इसको जोड़ लो, 10.5 गुणे 100 बाद में करेंगे, भाग देंगे 100 गुणा कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और सबसे नीचे 195/2 लिखा है। आपको ध्यान देना है आफ्टर टैक्स ना, लिखना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स आपने पीछे भी पढ़ा है, फार्मूला क्या होगा, सीबी 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। सीबी कितना आया था, 1 माइनस टेन पॉइंट पाँच दशमलव लिख लीजिए, दसवां क्वेश्चन बताते हैं। आपको ध्यान देना है दसवें क्वेश्चन पर, कहता है प्रिया लिमिटेड विलिंग इशू 5008% डिवेंचर 100 रुपये का एक, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, इन्होंने कितना इशू किया है, 5000, इनका जो रेट दिया है 96 रुपये में इन्होंने इशू किया है, पैसा वापस करेंगे 12 साल बाद, 7% इशू प्राइस दिए गया है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स, एज्यूम करना है टैक्स रेट 50%। सबसे पहले दोस्तों प्यारे भाइयों बहनों, कै परसेंट दिया गया है, 8%। हमें क्या मालूम होना चाहिए, आईपी 8 रुपया आएगा, 100 रुपये का 8% 8 रुपया आएगा। दूसरा क्या मालूम करना है हमें, दूसरा नेट प्रोसीड मालूम करना है ना, नेट प्रोसीड ऐसे डायरेक्ट मालूम कर दे रहे हैं, 100 रुपये का डिवेंचर है, क्वेश्चन में बोल रहा है 96 रुपये में इशू किया गया, इसका मतलब 4 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 7% इशू प्राइस दिया गया है, 7% इशू प्राइस में आपको क्या ध्यान देना है, 96 कॉस्ट ऑफ इशू, इशू प्राइस पर 7% बोला है, इशू प्राइस 96 रुपया है, इसके पहले बेस प्राइस पर निकाल दे देना, 96 पर 7% निकालिए, बोला है 6.72 आएगा 89.28, यन कितना 12, ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपया, MB 100 रुपया होगी। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला जब अप्लाई कर देंगे, दसवां नंबर का फार्मूला, यही आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन, कै साल के लिए है, 12 साल के लिए है, गुणे 100 भागे मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 ना, 8 रुपया आएगा ब्याज, प्लस 100 89.28 माइनस 12 साल दिया है, यहाँ रहेगा फार्मूले में एन, गुणे 100 भागे मार्केट प्राइस, मैच्योरिटी वैल्यू 100, 89.28 डिवाइड बाई 2, माइनस कर दो, 8 प्लस 100 में से 89.28 माइनस करो, 10.72 × 100 डिवाइड बाई 12, 189.28 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 8 प्लस 10.72
10.72 में 12 से भाग दो, 0.89 इंटू 100 भागे 89.28 में 94.64। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, 8.89 इंटू 100 94.64। पहले भाग दे देना तब गुणा कर देना ना, आपका आ जाएगा 9.39%। उत्तर आ गया 8.9.39% आपका उत्तर आ जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं, यदि आप निकालना चाहेंगे क्या निकालना चाहेंगे आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स इसके लिए आपको ध्यान देना है कॉस्ट सीबी 1 माइनस टीआर टैक्स रेट, सीबी हमारा आया 9.39, 1 माइनस टैक्स का रेट कितना दिया है 9.39 50%, 9.39 इंटू 0.50 आपका कितना आ जाएगा 4.695%। इसको लिख लीजिए, इसके बाद 11 नंबर आपको आगे बताएंगे।